दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर खुशखबरी। दोस्तों अगर आपके यहाँ पे कोई भी विकलांग व्यक्ति है तब उनके लिए बड़ी खबर। अब सभी विकलांग लोगों को मिलेंगे 5,000 रुपये पेंशन। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने अभी अभी एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि सभी दिव्यांगों को 5,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे आपको 5,000 रुपये कैसे पेंशन मिल सकती है, किस योजना के तहत मिलेगी, कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे फॉर्म भरना है। इस वीडियो में आज हम आपको आगे फुल डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आपको बताएंगे 5,000 रुपये कैसे आपको पेंशन मिल सकती है। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे लिखा देख सकते हो, दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की मांग। दिव्यांगों की मांग न मानते हुए सरकार ने निंदा तथा पुनः उनकी मांगे लागू करने का आग्रह किया है। बुधवार को संस्था के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अध्यक्ष से कार्यालय में बैठक हुई है। इसमें मनमोहन सिंह ने बताया कि विकलांगों को लंबे समय तक 5,000 रुपये मासिक पेंशन लागू करने का आग्रह किया है, लेकिन अभी तक उन्होंने बुजुर्गों के सामने 1,800 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही थी, जो विकलांगों के साथ सरासर अन्याय है। इसलिए सरकार ने विकलांगों के लिए 1,800 से बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक पेंशन कराने का आग्रह किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकलांगों को मकान उपलब्ध करा सुविधा भी प्रदान की। विकलांगों के लिए स्पेशल भर्ती की जाएगी। विकलांगों को हरियाणा के बाहर बस सेवा का सरकार ने दिव्यांगों के लिए ये योजना चलाई थी कि सभी दिव्यांगों को 5,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हो तब आप इसके लिए आवेदन कीजिए, आपको 5,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए आपका।